गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट्स 1 इंटरनेशनल स्कूल। डिस्कस एक्सरसाइज 4.1 नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इज द सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड एंड ऑल्सो फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x - 5 + 4 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2xy - 8 = 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x - 5 + 4 = 0, देन 2x = हम क्या करते हैं, इसको या तो x के इक्वल करते हैं या फिर y के इक्वल करते हैं। देन 2x = 5y - 4, नाउ x = 5 - 4/2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। पुटिंग y = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 4/2, तो x = कितना हो गया, -4/2, देन x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आई है, -2। नाउ नेक्स्ट वी पुट y = 2 इन दिस इक्वेशन, दैट इज x = 5 × 2 - 4/2, तो दिस देन -4/2, तो 10 - 4 किया तो कितना हो गया, 6/2 = x की वैल्यू यहां पर करी थी, जब y की वैल्यू कितनी मिली, -2। जब आपने x 3 पुट करी तब y की आ रही है 2, या आपने 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई। नाउ वी सेकंड इक्वे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, दैट इज 2x + y - 8 = 0, तो 2x + y - 8 = 0, 2x = 8 - y, तो x = 8 - y / 2, इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुटिंग y = 0 इन दिस अबव इक्वेशन, नाउ x = 8 - 0/2, तो x = कितना हो गया, 4। तो पुटिंग y = 2, तो x = 8 - 2/2, दैट इज x = 6/2 = 3, नाउ x = 3। जब आपने x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू 0 पुट करी, तो x की वैल्यू में कितनी फाइंड हुई, 4। जब आपने y की वैल्यू 2 पुट करी, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 3। नाउ ग्राफ बनाएंगे हम फर्स्ट टेबल, फ्रॉम द फर्स्ट टेबल देन x कितना है, 3 और y 2, तो ये x 3 और y 2, इस पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर x वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 0, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, इसको ड्रॉ कर दी। अब देखो ये y एक्सिस को कोऑर्डिनेट कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू, तो यहाँ पर कितनी आ रही, 1 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही, 0, तो 0, 1 के ऊपर वो कोऑर्डिनेट को